अब हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों, ये आपके लिए मार्च 2023 का राशिफल है और इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ, एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, लव, मैरिज, फ्रेंडशिप, फैमिली, ट्रैवल एंड द मैसेज ऑफ द मंथ। इन सब की हम बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे आपके हेल्थ के सेक्शन से। देखो भाई, मिथुन राशि वालों, आपकी हेल्थ तो ठीक ठाक बनी हुई है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन साथ में जिम्मेदारियाँ भी बढ़ रही हैं और हेल्थ हेल्थ के बारे में विशेष तौर पर आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही सबके लिए सब कुछ करते रहेंगे, आपको अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। ओके, और विशेष तौर पर अपने जो है हेल्थ का ख्याल रखें। नेक्स्ट है हमारे पास में आपके लिए एजुकेशन, परिवार, पढ़ाई लिखाई के मामले में चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं और जो आपका मंत्र है वही फेमस है। आपका मंत्र वही है कि गरीबी से निकलने का केवल एक ही रास्ता है और वो है पढ़ाई। तो पढ़ाई करके ही आप जो है गरीबी से निकल सकते हैं। यही जो है आपको, यही आपको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए और आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में फाइनेंस, आपके सॉरी करियर, करियर कार्यस्थल पर चीज़ें जो है वो ठीक ठाक बनी हुई हैं, फेवरेबल चीज़ें हैं आपके लिए वहाँ पर, लेकिन साथ में कुछ अननोन जगहों से कुछ रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिल सकता है। इस रेजिस्टेंस से निपटने का एक ही तरीका है कि या तो इनकी बात मान लीजिए या इनको रजिस्ट कीजिए, दोनों में से कोई भी आप एक तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंस, रुपए पैसे की स्थिति जो है ठीक ठाक बनी हुई है, रुपया पैसा बिल्कुल ठीक ठाक आ रहा है और जितनी भी आपकी आवश्यकताएं हैं सारी पूरी होंगी। लग्जूरियस भले ही एक आध दो पूरी हों लेकिन आवश्यकताओं की चीज़ें तो सारी पूरी होंगी। नेक्स्ट है लव, प्यार मोहब्बत के मामले में आप थोड़ा सा देर कर देते हैं, डिले कर देते हैं और उसी की वजह से जो है चीज़ें कई बार हाथ से भी निकल जाती हैं। सामने वाला भी आप में इंटरेस्टेड है और आप भी उसमें इंटरेस्टेड हैं, है ना। और जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, आपके लिए किसी की सारी बातें मान ली और किसी पर आपको यकीन भी नहीं है, तो ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। हम इसके बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में। तो मैरिड लाइफ आपकी शानदार चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और बाकायदा ब्लेसिंग्स हैं और जो है भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर, चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। नेक्स्ट टाइम फ्रेंडशिप, यारी दोस्ती के मामले में आप बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, आप सिर्फ उतने ही इन्वॉल्व होते हैं जितने की ज़रूरत होती है। ओके, और फैमिली, परिवार से आपको जितना साथ मिलना चाहिए रिवर्स में उतना नहीं मिलता है, लेकिन आपके पास में आपके पास जो अधिकतर जो लोग हैं उन सबको आपसे कुछ ना कुछ चाहिए, सब मांगने वाले लोग हैं लेकिन आपको कोई भी कुछ देने वाला कोई व्यक्ति वहां पर नहीं नजर आता है दूर दूर तक। ठीक है, तो एक ये कहानी ये बनी हुई है आपकी लाइफ में। खैर, अब हम बात करते हैं आपके लिए ट्रेवल, यात्राओं के विषय में क्या है कि यात्राएं आपकी होंगी लेकिन काफी लिमिटेड यात्राएं ही हैं, बहुत ज्यादा यात्राएं नहीं है, लेकिन इनसे आपको फायदा होगा। और मैसेज ऑफ द मंथ यही कि किसी की सारी बातें आपने मान ली और किसी पर आपको अभी तक भी यकीन नहीं है। अब ये एक अजीब सी कहानी है कि किसी के 100 झूठ भी माफ हो और किसी का जो है सच बोलना भी गुनाह हो जाए, तो ये आपको इंट्रोस्पेक्शन अपने आप में करना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या बातें हैं। लेकिन हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि दोनों ही मामलों में आपको रैशनल होना चाहिए, दोनों ही मामलों में आप बुद्धि का उपयोग करें, दोनों ही मामलों में तर्कसंगत आपके पास में कुछ ना कुछ विचार होने चाहिए। रही बात दिमाग की, दिमाग तो आपके लिए लाइकिंग भी पैदा करता है और डिसलाइकिंग भी पैदा करता है, और वो जो डाटा है ना, तो लाइकिंग में कुछ डाटा है ना ही डिसलाइकिंग में डाटा है, दोनों ही इतने ही हॉलो हैं जितना एक जितना जो है दूसरा है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।